शिक्षा विभाग के जारी आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी भी दी। हम आपको बता दें कि आदेश के विरोध में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले महकमा सड़कों पर उतरा और उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और बताया कि सरकार खुद के फायदे का बजट बनाकर हमारा शोषण कर रही है। उन्होंने आदेश की विसंगतियों का बखान करके चेतावनी दी है कि समय रहते त्रुटियों में बदलाव नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शासन को प्रशासन बहुत दिग्भ्रमित कर रहा है और नित नए प्रयोगों के नाम पर और शिक्षकों को बदनाम करने की दृष्टि से नित नए ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है और शिक्षक आंदोलित हैं। अभी हाल में एक आदेश जारी किया है जिसमें 9 बजे से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लगाने का आदेश जारी हुआ है। दूसरा एक क्रमोन्नति दे चुके हैं उसको रोकने के लिए आदेश जारी हुआ है अध्यापक संवर्ग की, जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि जिनको 12 वर्ष हो गए हैं, 24 वर्ष हो गए हैं, उनको समय के हिसाब से क्रमोन्नति दी जाए, उनकी सेवा शर्तों में भी क्रमोन्नति देने का है। ये सेवा शर्तों का भी उल्लंघन करके ऐसे अव्यवहारिक आदेश जारी कर रहे हैं। पदनाम की घोषणाएं मुख्यमंत्री 2-2 बार कर चुके हैं, वो पदनाम नहीं मिल रहा है तो शिक्षकों के हित को मारा जा रहा है, छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है। केवल भ्रष्टाचार करने के लिए भारी भारी बजट से बड़ी बड़ी नाम की अच्छी योजनाएं बना लेते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, सारा परिणाम शून्य है। केवल योजनाएं बना करके भ्रष्टाचार करके सारा पैसा खा जाते हैं, कोई मतलब नहीं योजनाओं का, और शिक्षकों को बदनाम करते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसा अव्यवहारिक सारे आदेश निरस्त हो, बदनाम दिया जाए, क्रमोन्नति वापस बहाल की जाए और समय को भी अव्यवहारिक बनाया जाए। 10 बजे से 10:30 बजे से 5 बजे तक का समय किया जाए, बच्चा भी इतनी देर बैठ सकता है। अगर समस्या हल नहीं होती है तो समस्या हल नहीं होगी तब हम प्रदेश स्तर पर धरना करेंगे, जिला स्तर पर धरना करेंगे, अगली कार्रवाई जो भी हमारे प्रांत की होगी वो करेंगे। अभी प्रांतीय निर्देशन पर जिले के प्रत्येक जिले में ऐसा ज्ञापन दिया गया है, इसका देखेंगे, उसके बाद देखो आंदोलन करेंगे। क्या नाम सर आपका? मैं रमेश चंद्र पाटीदार, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।